हेलो फ्रेंड्स, मैं जय उत्रानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रानी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, फटाफट बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ को लेकर के। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो तैयारी। जी हाँ, TET पास 12 शिक्षकों को वेतन मान। जी तो आइए जान लेते हैं पूरी न्यूज जो कि रांची से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, यहाँ की ये न्यूज है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास प्रशिक्षित 12 शिक्षकों को 5,200 से 20,200 रुपये का वेतनमान मिलेगा, लेकिन यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 8 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं। पारा शिक्षकों के लिए बनाई गई नई नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अपनी वेबसाइट पर इस नियमावली को अपलोड करते हुए 10 नवंबर तक पारा शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने के बाद इसे अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। वैसे नियमावली को अगली सरकार में ही लागू होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो वहाँ के चुनाव जब होंगे उसके बाद ही ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे एक न्यूज है, जो TET पास नहीं है उन्हें देनी होगी परीक्षा। जी हाँ, तो जो अपनी सेवा 8 साल तक दे चुके हैं और TET पास नहीं है तो उनको TET पास करना होगा, तभी उनको इस योजना का लाभ होगा। और यहाँ पे आप एक न्यूज और पढ़ सकते हो कि 12 वर्ष की सेवा देने के बाद बढ़ेगा 2,800 का ग्रेड पे। तो अगर आपने 12 वर्ष तक सेवा दे दी तो 2,800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी या आपकी जो वेतन मान है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। पढ़ लेते हैं यहाँ पे पूरी न्यूज। पारा शिक्षकों के नए वेतनमान में सरकार ने कई तरह का लाभ देने का प्रयास किया है। इसमें बताया गया है कि पारा शिक्षक के 12 वर्ष काम करने के बाद उनका ग्रेड पे 2,400 से बढ़कर 2,800 कर दिया जाएगा। इसी तरह 24 वर्ष के ग्रेड पे 4,200 कर दिया जाएगा। यह वेतनमान पर प्रत्येक वर्ष पर सरकारी कर्मियों की तरह पारा शिक्षकों को भी महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।